हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल और दिस इज मी खुशी। देखिए, सर्दियां आ गई है, विंटर सीजन आ चुकी है, तो विंटर में जो है स्किन ड्राई आउट कर जाती है, स्किन फटने लगती है, हमारा जो फेस है वो डल होने लगता है, इवन थोड़ा बहुत डार्क भी दिखने लगता है। तो अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल ये आज का वीडियो देखना, क्योंकि आज मैं सिर्फ फेस की नहीं पूरे बॉडी की जो केयर है, विंटर केयर, उसके बारे में बात करूंगी। आपको कुछ अपनी प्रो टिप्स भी दूंगी जो बहुत ही बेसिक है, ज़्यादा आपके पैसे भी नहीं लगेंगे ना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। सो आप बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने की कोशिश करना गाइस प्लीज़। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करना, और इन दोनों प्रोडक्ट रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बता सकते हो। और मैंने जो है अपने सेकंड चैनल स्टार्ट करी है जिसका नाम है के इंचल बी ई बी फैशन गर्ल, जहां मैं अपने फेस वीडियोस डालती हूँ, मेरा वहां चेहरा दिखता है। तो अगर आप मुझे देखना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे इस चैनल पे जाके चेकआउट करिए। इसकी जो सारी लिंक्स और बाकी डिटेल है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे भी आप मुझे डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। चलिए, अब वीडियो को ज्यादा ना खींचते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, हवा जो है बहुत ज्यादा सूखी हो जाती है, जो हमारी स्किन के ऊपर से सारा मॉइस्चर खींच लेती है, तो हमारे फेस के साथ साथ जो हाथ पैर और बाकी बॉडी पार्ट्स है वो भी एकदम ड्राई आउट होने लगते हैं, एकदम मतलब अजीब ही हो जाते हैं। मेरी तो ऑलरेडी ड्राई स्किन है, तो आप लोग समझ सकते हो कि ड्राई स्किन वालों को तो और प्रॉब्लम होती है, हालांकि ऑयली स्किन वालों को भी प्रॉब्लम। पहले मैं बात कर लेती हूँ फेस की, तो यहाँ पे मेरे पास जो है बहुत ही एक अच्छा फेस मॉइस्चराइजर है जिसका नाम है हाइड्रोफिल इमोलाइट क्रीम। ये जो है बहुत ही डिसेंट इंग्रेडिएंट से बनाई गई क्रीम है, मैं आगे आपको बताऊंगी क्या इंग्रेडिएंट है। ये आपके जो स्किन है उसको सॉफ्ट और सिल्की बनाए रखने में हेल्प करता है, आपका जो भी मॉइस्चर है उसको लॉक करके रखता है आपकी स्किन में। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है लाइक प्रोपिलिन ग्लाइको, जो कि एटमोस्फियर से मॉइस्चर खींचता है की तरफ, तो इसके अंदर वैसा ही इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन की तरफ सारा जो मॉइस्चर है एटमोस्फियर का वो खींचेगा, स्किन के ऊपर एक बैरियर बना के रखेगा। लाइक आपकी स्किन के ऊपर जो भी मॉइस्चर लेवल है या जो भी डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम है उसको एज यूजुअल बना के रखेगा। ये भी अगेन नॉन कॉमेडोजेनिक इन्ग्रीडियंट से बनाया गया प्रोडक्ट है। मैं फिलहाल इसको जो है 10 दिन से ट्राई कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और स्किन में काफ़ी ज़्यादा एक जो चमक है वो आई है और शाइन आई है, मतलब जो ड्राइनेस थी, जो मेरी एक अलग सी स्किन जो रूखी सूखी दिखती थी, तो वैसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसमें जो है बेसिकली मिलाया गया है बीस वैक्स, स्टेरिक एसिड, वाइटामिन ई और बाकी कुछ इंग्रेडिएंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इनके रेट की बात करूं तो ये जो है 100 ग्राम का क्रीम मुझे रिसीव हुआ है ₹180 में, जो कि 3 साल के शेल्फ लाइफ के साथ आता है, और इस तरह की जो टब टाइप की इसकी पैकेजिंग है बहुत ही हैंडी है और बाकी मॉइस्चराइजर की तरह ही है। देखिए, मैंने यहाँ से इसकी सील ओपन की है, आप देख सकते हो मैंने इतना यूज किया है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है गाइस, इसकी जो थिकनेस है बहुत अच्छी है। ऐसा जरूरी नहीं कि ड्राई स्किन वाले ही इसे लगाएं, आप ऑयली स्किन वाले हो तो भी आप डेफिनेटली अपने फेस में लगा सकते हो इसको। मैं इसको दोनों टाइम अप्लाई करती हूँ, एक रात को सोने से पहले और दिन में बाहर जाने के पहले। लाइक फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर तो कंपल्सरी लगाना ही है, बट आप दूसरी ब्रांड के कोई ब्रांडेड मॉइस्चराइजर खरीदोगे जो सिर्फ पैकेजिंग में अच्छे होते हैं, बाकी रियलिटी में इतना वर्क नहीं करते, तो उससे तो बहुत ज्यादा बेटर है ये, क्योंकि ये जो है अपनी इंग्रेडिएंट का कमाल दिखाते हैं। इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है बहुत डिफरेंट इंग्रेडिएंट वो है सिलिकॉन ऑयल, बीज वैक्स, एलोवेरा जेल, सो बहुत सारे यूनिक इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मसाज कर लिया अपनी स्किन में और ये बिल्कुल ऑब्जर्व हो गया है मेरी स्किन में। इसके जो दूसरे और बड़े जार्स हैं लाइक 200 ग्राम, 500 ग्राम, वो भी अवेलेबल है, तो अगर आप चाहो तो डायरेक्टली वो भी खरीद सकते हो, आपको थोड़ा रिजनेबल पड़ जाएगा। और इसकी जो परचेस लिंक है आपको, चलिए बात करते हैं इस हाइड्रोफिल
एमोलाइट लोशन के ऊपर फॉर हाइड्रेटिंग फील. यस, हम लोग को हाइड्रेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इन विंटर्स. आप दूसरे बहुत सारे अदर ब्रांड के जो मॉइस्चराइजर है वो खरीदते हो, बट आप इस तरह के नेचुरल मॉइस्चराइजर यूनिक इंग्रेडिएंट से बनाए गए हैं, आप एक बार ट्राई करें तभी आपको समझेगा कि ये इतने ज्यादा अच्छे क्यों हैं, इसका रिजल्ट कितना अच्छा आपको मिलेगा. ये जो है आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर लेवल को बना के रखेगा, आपकी जो स्किन है उसको ड्राई आउट नहीं होने देगा, आपका जो मॉइस्चर है उसको लॉक करके रखेगा. अगेन ये एक नॉन कॉमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट से बनाया गया प्रोडक्ट है, आपकी स्किन को स्मूथ और सिल्की बनाएगा, आपकी जो भी बॉडी की हैंड लेग की स्किन है उसको, आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करेगा, फ्लैकी नहीं बनाएगा, और अलग से जो आपकी त्वचा रूखी सूखी हो जाती है तो वैसा आपको महसूस नहीं होने देगा. बिकॉज इसमें भी बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं लाइक लेसिथिन, एलोवेरा जेल, सिलिकॉन ऑयल, लाइट लिक्विड, पैराफिन, बीज वैक्स, विटामिन ई. आप स्क्रीन पे जो है देख सकते हो अच्छे से सारे ही इंग्रेडिएंट डिटेल है. ये जो है 100 ml का बॉटल मुझे रिसीव हुआ है फॉर रुपीज 165 में. इसकी जो शेल्फ लाइफ है अगेन 3 इयर्स की है, और इसको भी जो है परचेस करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप डेफिनेटली वहां से इसको परचेस कर सकते हो. बहुत ही अच्छा और हैंडी प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो पैकेजिंग में मुझे ऐसे रिसीव हुआ है, और फ्लिप टॉप ओपनर है, इसमें इस तरह का लोशन काइंड ऑफ प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, आप देख सकते हो. बहुत ही इजीली आपकी स्किन में ग्लाइड भी हो जाएगा, ऑब्जर्व भी हो जाएगा, और इन दोनों की जो फ्रेगनेंस है गाइस बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम होती है चाहे नहीं भी होती, बट आपको जरूर मॉइस्चराइजर और बॉडी लोशंस लगाने चाहिए ताकि आपकी जो स्किन है अच्छी दिखे, ग्लोइंग दिखे, हाइड्रेटेड दिखे, बिल्कुल डल डैमेज ना दिखे. तो आप डेफिनेटली इनके लिए जाइए, और मेरी जो कुछ टिप्स है फॉर विंटर वो मैं डेफिनेटली आपको, आप जो है इस लोशन को नहाने के बाद अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि नहाने के बाद जो हमारे जो पोर्स है वो ओपन होते हैं, तो आप अगर इसे अप्लाई करोगे तो इसके सारे जो भी गुडनेस है आपकी स्किन में इजीली ऑब्जर्व हो जाएंगे. अगर आपकी स्किन मेरी तरह बहुत एक्स्ट्रा ड्राई है तो मैं आपको कहूंगी आप जब भी नहा के आते हो तो आप जो है कोकोनट ऑयल ले लीजिए, और उसको अच्छे से अपनी स्किन में नहाने के बाद विद इन 3 मिनट के अंदर ही अपने पूरे बॉडी में लगा लीजिए अच्छे से. आपकी स्किन पे जो है एक बहुत अच्छा मॉइस्चर लेवल रहेगा, पूरे दिन आपकी स्किन जो है ड्राई नहीं फील होगी. आप इसको करना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और उसके बाद आप इस लोशन को अप्लाई कर सकते हो. ठंडियों में देखिए सोप का भी एक बहुत अच्छा इफेक्ट होता है आपकी स्किन पे, आप जो भी बॉडी के लिए सोप इस्तेमाल करते हो. तो मैं इन दिनों जो है ए नेचुरल्स के काफ़ी सारे सोप का रिव्यू कर चुकी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हमारी स्किन के लिए फॉर विंटर तो स्पेशली, तो आप उनको भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. और उसमें वेरिएशंस भी हैं फॉर मैन एंड वुमेन, डिफरेंट सोप हैं. सो या गाइज, आज का वीडियो यहीं पे पूरा होता है, समाप्त होता है, और आपको पसंद आया है तो आपको पता ही है क्या करना है. नेक्स्ट वीडियो में बाय.